आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी का महत्तम व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य के पापों का नाश होता है व अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और इस एकादशी की क्या कथा है, सो कृपया कर कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली है। जो भी मनुष्य यतन पूर्वक इस एकादशी को धारण करता है वह श्री हरि के वैकुंठ धाम को पाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने इस उत्तम एकादशी व्रत को विधि पूर्वक नारद जी को बताया था। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, इस व्रत के नियम दशमी तिथि से ही ग्रहण करने चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाला दशमी तिथि से ही कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, शहद, पराए घर के अन्न आदि का त्याग करे, खारी नमक न खाए, एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करे। स्नान के जल में गंगा जल व तिल मिश्रित जल से स्नान करे, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान का पूजन करे। हे राजन, इस दिन राधा कृष्ण तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र बिछाकर देवता को स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजन करें। स्वच्छ जल, गंध, धूप, चंदन, अगर कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। पुष्प अर्पित करें, मिष्ठान का भोग लगाएं, केशव और शिव का पूजन कर आरती करें, कथा का श्रवण करें, भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करें, मिथ्या भाषण न करें, सत्य बोलें, ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें, वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा को सुने, विधि पूर्वक व्रत रख, एक समय दूध व फलाहार ग्रहण करें, रात में कीर्तन व जागरण करें तथा द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इससे अधिक ना कोई पुण्य है, ना यज्ञ है, ना कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, समझो उसने सब व्रत कर लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सुनो। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, सुनो।
त्रेता युग में महेशमति पुरी में हययों के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया, व्रत भी किए, परंतु उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्रियों को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया और उसके शरीर में तप के कारण केवल हड्डी और चमड़ा ही रह गया। तब पद्मनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। मेरे पति पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखा श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सुग्रे, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर रानी ने पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मल मास मुझे प्यारा है, वैसा दूसरा कोई मास नहीं, और उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु जी का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, जिसको सब लोग नमस्कार करें ऐसा वीर और बलशाली पुत्र मुझे दो। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी सहित हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। 9वें महीने पद्मनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी ने दशकंद रावण को युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणी गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसे जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था।
इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकाक्षी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वह पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को सुनेंगे पढ़ेंगे वे दूसरे को सुनाएंगे वे संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में मेरे लोक को आएंगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद आप वे आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।